Now we start with resolution of vectors, and in this resolution of vectors, rectangular components of vectors. देखिए अभी तक हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा क्या होता है, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना सीखा क्या होता है. वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब यह है कि दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर में हमने कन्वर्ट किया. अब हम एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे इंटू टू कंपोनेंट्स और मोर कंपोनेंट्स. सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इंटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. And rectangular components, when we resolve a vector into its two components of two adjacent sides of a rectangle, means the two components are perpendicular to each other, then these are called rectangular component of vectors. So we can just resolve a vector into its components. If you are taking in a plane, then there are two components. If we are taking in space, there are three components. So this phenomenon of splitting of a vector into the components, into its constituent components, is known as resolution of a vector. सीधी सी भाषा में अगर हम कहें तो दो वेक्टर को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट बनाया जा सकता है. एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. इस फिनोमिनन को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. और जो कंपोनेंट्स आएंगे, अगर वो दो कंपोनेंट्स एक रेक्टेंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, तो उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. देखिए यहां से हम कई सारी चीजें सीखें. कैसे सीखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो हम ये एक प्लेन लेते हैं. ये देखिए कि हमारा प्लेन है. अगर हम इसके दो ही एक्सिस ले लें, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस है. ठीक है, पहले हम एक प्लेन में लेते हैं. प्लेन में दो एक्सिस हो गए और हम ये भी जानते हैं इधर यूनिट वेक्टर क्या है आई, इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है जे. अंडरस्टूड है. अब यहां से अगर हम कोई एक वेक्टर ए ले लें, ये वेक्टर ए है. अब देखिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट तो बनेगा इधर, अगर हम इसको यहां से लिखें ए एक्स वेक्टर, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा इधर जिसको हम लिखेंगे ए वाई वेक्टर. सो व्हाट इज एक्स, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज ए वाई, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस. सो दिस इज, दीज टू आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, एंड दिस इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए इनटू टू कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई. ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है. अब मान लीजिए इसको हमने क्या कह दिया, पी कह दिया, इसको हमने क्यू कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, एम कह दिया. और वैसे भी अगर हम ए एक्स को क्या लिखेंगे, नाउ आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हम जानते हैं कि नहीं. जे वेक्टर, जे कैप किधर होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. अब बताइए ए एक्स वेक्टर को कैसे लिखोगे. अच्छा एक्स क्या है, एक्स इज इन सफिक्स, सफिक्स मींस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, the component of vector along y-axis. So this ax and ay represents the components, rectangular components. इसे horizontal component कहेंगे, इसे vertical component कहेंगे. ये भी rectangular component है, ये भी rectangular component है. क्यों है? Because it will be a rectangle and these are the two sides of rectangle. And since these two sides are perpendicular to each other, so this is, these are the two perpendicular components, horizontal component as well as vertical component. Okay? Suppose this angle is theta. Let's see. What about ax? वेक्टर देखिए एक्स को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो हो गया एक्स, डायरेक्शन कितनी हो गई आई कैप. व्हाट अबाउट ए वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई और क्या हो गया, जे कैप हो गया, जे कैप हो गया. देखिए अच्छा अनदर भी अगर हम इसमें वो अप्लाई कर दें, क्या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बताइए ये क्या बनेगा, ओ एम इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. सो बाय पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम of a vector, what is a vector, that is equal to ax I cap plus ay j cap, it is equation number first. And what about the magnitude of a, magnitude का formula पढ़ा है, दो perpendicular vector वाला लगा दीजिए, special case बताइए कितना आता है a magnitude. अब इसको हम simple अगर a लिख दें, that will be under root ax square plus ay square, equation number second. So देखिए हमने एक प्लेन में एक वेक्टर को, ए को रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. ठीक है, अच्छा देखिए वो एक्स कंपोनेंट कितना है, ए एक्स है. वाई कंपोनेंट कितना है, ए वाई है. ए एक्स ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड है. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को अगर मिला दें तो देखो ए एक्स तो हो गया मैग्नीट्यूड,
आई कैप क्या होगी, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए एक्स वेक्टर तो आपने ऐसे लिख दिया, ए वाई वेक्टर को आपने ऐसे लिख दिया। आप यू राइट लाइक दिस और लाइक दैट, बोथ आर द सेम थिंग। आइदर यू राइट ए वाई वेक्टर और यू राइट ए वाई जेड, बोथ आर द सेम थिंग। एंड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन राइट दिस वेक्टर ए लाइक दिस एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ कम दिस अनदर पॉइंट। इफ दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम ट्राइंगल, from triangle, which triangle? OPM. What is cos theta? Cos theta बताइए कितना होता है? Base upon hypotenuse. What is base? AX divided by A. Why we have not? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ऐसे? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? Vector upon vector. This is meaningless. हमें vector upon vector नहीं लेते हैं। जब cos theta लेते हैं, sin theta लेते हैं, it is the ratio of the two sides. So जब हम ratio लेते हैं, तो किसकी ratio लेते हैं? Magnitude की ratio लेते हैं। So always will write like this. Number one. Second confusion. क्या हम ये लिख सकते हैं? इसे a कट गया, x बच गया? नहीं। x कहाँ पर है? ये suffix में है। जो ये represent करता है, the component of a along x axis. So this is ax upon a. And what about ax? ax is equal to a cos theta. Right? And similarly, I can take sin theta, that is ay upon a, or ay is equal to a sin theta. Then these two are the rectangular components. Ye rectangular components ka magnitude aa gaya, a cos theta and a sin theta. So what is horizontal component? Horizontal component of vector a is equal to a cos theta, or rather magnitude of horizontal component and magnitude of vertical component of vector a, that is equal to a sin theta. Bahut important result hai, important in the sense in future we are going to apply this concept so many times in physics. What will be the horizontal component of vector a and what will be the vertical component of vector a if angle is taken from the horizontal, or I can say this component is along the angle side and this is on perpendicular side, right? ये एंगल अगर इधर है तो ये cos theta, और ये क्या बनेगा? a sin theta बनेगा। तो ये दो कंपोनेंट होंगे, a cos theta and a sin theta. अच्छा, स्क्वायर करके अगर ऐड कर दे दोनों को, चलिए स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, व्हाट अबाउट ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, और व्हाट इज ए, दैट इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी जस्ट फाउंड। इफ इट इज इक्वेशन 3 देन इट इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए यहां से भी निकाला था, अब यहां से भी निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाइए, लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाइए, और अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर लीजिए, रिजल्ट आपका सेम आना है। तो यहाँ जो वेक्टर की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सेम है, ट्रिग्नोमेट्री से भी रिजल्ट सेम है। ट्रिग्नोमेट्री का एडवांटेज क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का एडवांटेज ये हुआ कि अगर हमें थीटा का पता है, हम जानते हैं 30 डिग्री है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, हम क्या ले सकते हैं? ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज अ बॉडी इज थ्रोन एट दिस एंगल, सपोज 30 डिग्री, विद अ स्पीड ऑफ 2 meters per second। अ बॉडी इज थ्रोन इन दिस डायरेक्शन एट एंगल 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 2 meters per second। तो देखिए, दिस बॉडी विल साइमल्टेनियसली ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। अब ये पहले से थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अभी तक के जितने हमने मोशंस पढ़े वो कैसे थे? आइदर मोशन अलोंग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और मोशन अलोंग है वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी, यहाँ साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन है। जैसे आप किसी फुटबॉल को थ्रो करते हैं, फुटबॉल पे किक लगाते हैं, तो फुटबॉल का पाथ इस तरह का बनता है कि नहीं? कर्व पाथ बनता है। आप जेवलिन थ्रो करते हैं, कैसा पाथ बनता है? कर्व पाथ बनता है कि नहीं? आप लॉन्ग जंप के लिए जाते हैं, कैसा पाथ बनता है? कर्व पाथ बनता है। तो कितने डायमेंशन का मोशन हो गया? 2 डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो ये मेथड हमें बताएगा, हमारे पास अब एक वेक्टर को रिजॉल्व करने की टेक्निक आ गई, स्प्लिट करने की टेक्निक आ गई, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स वैल्यू है, वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई है। जैसे अगर हम यहां से करें, ये 2 meters per second है, तो इसका जो वी एक्स आएगा वो कितना आएगा? 2 cos 30, और वी वाई कितना आएगा? 2 sin 30। मीन्स 2 cos 30, cos 30 कितना होता है? cos 30 root 3 by 2, तो that is equal to under root 3 meter per second. Mean the body is traveling with a speed of under root 3 per meters per second along the x-axis.
and 2 sin 30 is 2 into 1 by 2, then that is 1 meter per second. Simultaneously, the body is moving along which direction? Y direction with speed 1 meter per second. However, the body is moving along this direction, that is making angle 30 degree with horizontal direction with a velocity of 2 meters per second. अब देखिए एक बात को तीन तरीके से आप समझा रहे हैं. आप कह रहे हैं कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पर ट्रेवल कर रही है. थीटा का मतलब कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया. इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहेंगे. हम कहेंगे कि बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 मीटर पर अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है और वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है. तो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में मोशन हम निकाल सकते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बॉडी आगे जाती है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से किधर जाती है? वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर along horizontal direction, along vertical direction. और अगर हम ये थीटा बदल दें, थीटा इधर से लेंगे तो ये कंपोनेंट कॉस हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा? साइन होगा. फिर टैकलिंग वही लग जाएगी. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? साइन, और वर्टिकल क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. ये पोजीशन, सो ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. थीटा आपने किधर से लिया है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हमें थीटा इधर से भी दिया हुआ है तो 90 में से माइनस करके इधर से ले सकते हैं, और अगर इधर से एंगल लेंगे तो कंपोनेंट हम इधर से रिजॉल्व कर देंगे. ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा. तो समरी क्या हुई? समरी ये हुई कि वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल, वर्टिकल कंपोनेंट अनदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल. दैट्स व्हाई दीज टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए. ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे. तो बच्चों ये तो हो गया किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में. कौन से कंपोनेंट्स होंगे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ये क्या हुआ? ये वेक्टर फॉर्म हुआ जो हम पढ़ गए थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. अब देखिए इसको यहां अप्लाई करो. ये तो एक प्लेन में हुआ. अगर हम एक स्पेस में अप्लाई करें फॉर थ्री डायमेंशन मोशन, फॉर थ्री डायमेंशंस, डायमेंशन में कौन सा एक्सिस ले लें? जेड एक्सिस ले लें. तो जेड एक्सिस में हम सिमेट्री पर लिख रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ डायग्राम बना के हमें समझाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है. जैसे दो में हमने एक्सप्लेन किया, ऐसे तीसरे एक्सिस को भी ऐड कर सकते हैं. तो बताइए वेक्टर ए क्या लिखेंगे? दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की, राइट? एंड व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. और क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया. तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट हो गया. अगर किसी भी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, तो किसी भी वेक्टर को जनरलाइज करने के लिए ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के. ए एक्स मीन्स द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, AZ component of vector along Z axis, and this is the magnitude of vector A. So this is a general vector. अगर किसी B vector को represent करना होगा BXI, BYJ, BZ के. C को करना होगा CXI, CYJ and CZ के. और यहीं से अगर इतनी बात हमें समझ आ गई है, तो देखिए अभी तक हम दो बातें इसमें समझ पा रहे हैं. एक तो horizontal component और vertical component, दूसरा representation of a vector into its components, right? AX, AY and AZ, ये तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास कंपोनेंट्स बन गए. अब इसी बात को देखिए हम इस तरीके से ले रहे हैं. अगर हम यहां से डिफाइन करें पोजीशन वेक्टर, अब इसका एप्लीकेशन हो गया, फंडामेंटल हमने समझ लिया है. पोजीशन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, गिव्स अ पोजीशन ऑफ अ वेक्टर. What do you mean by the position of a vector? देखिए हम रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करते हैं पोजीशन के लिए, और जब हम ये सिस्टम बनाते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं, तो कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से. तो देखिए ओरिजिन से अगर कोई हम ये वेक्टर बनाते हैं और ये हमारा सिस्टम बना, ये ओ बनेगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, और यहाँ से अगर हम ये वाला पॉइंट वेक्टर लें, सो दिस वेक्टर विल गिव द पोजिशन ऑफ, विच पोजिशन of point P, कहां से? From the origin. अगर हम इसकी वैसे जनरलाइज बात करें तो देखिए वैल्यू कितनी होगी? ए आर एक्स है तो यहाँ एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं. आर का मतलब जनरलाइज वेक्टर है, तो जनरलाइज वेक्टर में मान लीजिए x एक्स पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, x, y पे कितना किया y, z पे कितना किया z. तो P के कितने कोऑर्डिनेट बने हैं? कोऑर्डिनेट बने हैं x, y एंड z, ठीक है. तो x कोऑर्डिनेट मींस ओरिजिन से x एक्सिस पे कितने, किस पोजीशन पर है? x पर.
और y एक्सिस से किस पोजीशन पर है, ओरिजिन से y पर, और z से कितना है z पर, ये जनरल जनरल वेक्टर बना। अब देखो इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नाउ पोजीशन वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें r वेक्टर, यहां से बताओ क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, एंड एक्स वाई जेड क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स। दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट पी और पार्टिकल पी विद रेफरेंस टू दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई एंड जेड एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर। अच्छा डोंट थिंक सो कि हमने आर एक्स आर वाई आर जेड क्यों नहीं लिखा। आर एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, आर के लिए कंपोनेंट क्या लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड अदर देन आर। अगर वेक्टर ए लिया तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी लेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, आर के लिए केवल हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई वाई जे एंड जेड के, कभी भी आप इसको आर एक्स आर वाई आर जे नहीं लिखते। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिखते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बनेगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, पहले भी हमने बताया था। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल इन दिस सिस्टम। ओके तो देखिए जनरल वेक्टर लिखना सीख गए, कंपोनेंट्स बनाना आ गया हमें, उसके अलावा हमने यहाँ पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना और इसका हमने एक्सप्रेशन सीख लिया है। अगर इसी को हम दूसरे वेक्टर्स में रखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अगर हम यहां से इसको थोड़ा डिस्प्लेस करें, सपोज दिस इज आर वन एंड दिस वन इज आर टू, देन व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। सो पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू and this PQ vector is called displacement vector. Suppose this is R dash. R dash is the displacement vector and this R1 is the position vector of particle P or at position P. R2 is the position vector at position Q. So how much the body is displaced we can find with the help of this law of triangle, triangle law of vector addition. Triangle लोग क्या कहेंगे, देखो ये side दोनों कैसे हैं same order, तो R2 क्या होना चाहिए resultant, और अगर R2 रिजल्टेंट होगा तो क्या लिखेंगे, R1 plus R dash vector और R dash vector is equal to R2 vector minus R1 vector. So what is this R dash vector? Displacement vector. I can represent it by D also. अगर हम small d vector लिखेंगे तो displacement vector हो जाएगा, R dash भी लिख सकते हैं। तो P से Q तक particle को displace होने में जितना distance travel करेगा, जितना displacement होगा, जो vector position change होगी, that is given by R dash vector. And this R dash can be found in terms of R2 and R1. अब देखिए इसकी importance क्या होगी, इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी, अब हमें आर डैश की जरूरत नहीं है, हमें आप आर वन वेक्टर बता दीजिए, हमें आप आर टू वेक्टर बता दीजिए, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, देन वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन, राइट, बाय विच लॉ, बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एक और एप्लीकेशन होगा इसका। चलिए इसका और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। Come to the applications. अच्छा वेक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर्स को हम देखिए कैसे सीख रहे हैं, वैसे तो पूरी फिजिक्स के पर भी ये इंप्लीमेंट होता है। देखिए वेक्टर में हम इस तरह से सीखते हैं कि पहले हम वेक्टर सीखते हैं क्या होता है, फिर उसके हम डेली लाइफ में जो एग्जांपल है वो सीखते हैं। आपने वेक्टर एडिशन सीखा और वेक्टर एडिशन से आपने ये देखा कि जो बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, उस फिनोमिनन को हम वेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यानी कि जो चीज आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, अगर हम वेक्टर हमने नहीं सीखे होते तो हम ये पोजीशन बताने में नहीं थे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, why the human being is not flying, why the birds are flying, what is the logic behind that. तो देखो वेक्टर ने हमें ये बात समझा दी कि नहीं समझा दी। इसके अलावा हमने और पॉइंट्स लिए, जैसे आपके कौन सा पॉइंट लिया, जब आप चलते हैं तो बारिश सीधी नाव के इंक्लाइंड क्यों हो जाती है, इसका आंसर कहां से मिला, वेक्टर से मिला। उसके अलावा जब आपने देखा कि जब बारिश चलती है, बारिश के साथ साथ हवा जब चल रही होती है तो वो इंक्लाइंड क्यों हो जाती है, किसने एक्सप्लेन किया, वेक्टर से किया। और मैथमेटिकली फाइंड भी कर सकते हैं क्या उसकी वैल्यू होगी, किस एंगल पर इंक्लाइंड होगी। मोर ओवर हमने ये भी देखा कि भाई अगर हम बोट से हम ट्रेवल करते हैं और बोट से आपको मिनिमम टाइम में पहुंचना है एक किनारे से दूसरे किनारे पर, तो क्या करना पड़ेगा।
अगर मिनिमम डिस्टेंस से पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने एंगल पर बोर्ड को हमें ले जाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से हमें मूव कराना होगा, सो दैट वी कैन रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय द शॉर्टेस्ट टाइम और बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो ये चीज भी हमें किसने सिखाई, वेक्टर्स ने सिखाई। अब हम आगे आते हैं, इसमें वेक्टर्स में हम सीखते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन का क्या बताते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और वेक्टर्स कैसे एप्लीकेशन लेते हैं रिजोल्यूशन का। सबसे बढ़िया से चलिए हम इसका करते हैं वॉकिंग का करते हैं, वॉकिंग मूविंग कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप देख रहे हैं हम चल रहे, देखिए हम यहां खड़े हुए, हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ कैन वी मूव। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट किधर है, हमारी बॉडी का नीचे है और उसके बावजूद भी हम आगे ट्रेवल कर रहे हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं। तो कैसे हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर से, और वेक्टर्स ने भी स्पेशली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो टेक्निक हमने पढ़ी है इससे बहुत आसानी से हम वॉकिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये कोई फ्लोर है और यहां से हमने ये कोई हमारा पैर है, मान लीजिए हमने पैर रखा है ऐसे, और ये पैर अगर हमने रखा है, फिंगर्स हमने दिखाई हैं, तो पैर पर क्या करते हैं हम, पैर से फ्लोर को क्या करते हैं एक एंगल पर क्या करते हैं, इंक्लाइन करते हैं कि नहीं, फोर्स से पुश करते हैं कि नहीं। और जब यहाँ पैर से अगर हम इसको केवल ब्लॉक डायग्राम बनाएं, जब हम पैर से यहाँ पुश करते हैं तो ये फोर्स हम किधर लगाते हैं, ग्राउंड पर नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पैर हो गया, ऐसे मान लीजिए ये हमारा पैर है, ज्यादातर को हमने देखा है। और जैसे हम सीधे खड़े हुए तो हम चल नहीं सकते, हम क्या करते हैं इस पैर को तो पीछे से ऊपर उठाते हैं और इससे नीचे पुश करते हैं। जब नीचे पुश करते हैं तो जैसे हम पुश करते हैं तो हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, देखो जब हमने फोर्स अप्लाई किया मान लीजिए एफ, और न्यूटन्स लॉ से इसकी रिएक्शन होगी, किधर रिएक्शन होगी, इन दिस डायरेक्शन, बताओ रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं। दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, सो वी आर पुशिंग द ग्राउंड और फ्लोर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एंगल थीटा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बाई न्यूटन थर्ड लॉ देयर इज अ रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन एट एंगल थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये वेक्टर है हमारे पास, तो क्या हम इस वेक्टर के अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इधर जाना चाहिए, इधर तो नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। देखो अभी हमने क्या सीखा, यहाँ से बताओ क्या सीखा हमने, ए एक्स को क्या लिखा था, ए कॉस थीटा, ए वाई को बताओ क्या लिखा, ए साइन थीटा। चलिए करते हैं यहाँ पर, बताइए ये कंपोनेंट कौन सा होगा, आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आर साइन थीटा किधर है, वर्टिकल। तो जो आर साइन थीटा है ये तो हमारे वेट को बैलेंस करे, कंपनसेट करेगा, या ये कहिए हमारा वेट किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये कंपोनेंट किधर है, ऊपर है, तो हमारे वेट के किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे इफेक्टिव वेट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और आर कॉस थीटा का रोल क्या होगा, आर कॉस थीटा विल मूव अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमने यहां से पुश किया, ये डायरेक्शन ऐसे आई, ठीक है, इसकी रिएक्शन भी कैसे आएगी, ये आएगी, इसका एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हुआ और एक कंपोनेंट किधर हुआ, वर्टिकल। तो वर्टिकल फोर्स तो हमें कोशिश क्या करेगा, ऊपर मूव कराने की, हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल फोर्स है वो तो हमारे वेट को कंपनसेट करेगा, और हॉरिजॉन्टल वाला किधर ले जाएगा, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो अगर आप किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना उस डायरेक्शन में, तो कौन सी ऐसी कंपोनेंट है जिस वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, कौन सा कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा। सो व्हेन यू रिजॉल्व व्हाट इज आर, आर इज द रिएक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज फोर्स एफ, अप्लाइड बाय अस, जो पैर से हम किस पे अप्लाई करते हैं, ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हमने बनाया है। So R cos theta component is responsible to move us forward, while R sin theta component just reduces our weights or compensate our weight. So what is R cos theta? R cos theta which component? Horizontal component. Horizontal component किसका? Of vector R. R cos theta is responsible to move in which direction? Forward direction. Forward direction, and r sin theta which one is? It is vertical component. Vertical component. What will it do? It will just reduce the effective weight of us. Reduce the effective weight. हम इसलिए कह रहे हैं कि जो actual weight है तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब एक force जैसे इसका weight है, मतलब वो इसका weight हम 200 ग्राम है, 100 ग्राम ऊपर को force लगाओ तो effective कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा।
कम रहेगा ना, और अगर 100 रहेगा तो इस बॉडी को आगे मूव कराना आसान हो जाएगा कि नहीं हमारे लिए, ये चीज है। तो हमारे वेट को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये कंपोनेंट किधर ले जाएगा, आगे ले जाएगा। तो बताइए वॉकिंग किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? द वॉकिंग इज एक्सप्लेन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विच रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से वॉकिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल बताते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम इसका। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, डेली लाइफ में बहुत सारे वेक्टर के एग्जाम्पल है, और ये इंपॉर्टेंस है हमारी प्रकृति में, नेचर में जितने फिनोमिना है, फिजिक्स की ब्यूटी ये है, फिजिक्स उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का काम करती है। जो हमारे आसपास नेचुरल फोर्स है जिसको हम देखते हैं डेली लाइफ में, वो सारी बातें फिजिक्स एक्सप्लेन कर, सारी नहीं तो उनमें से मैक्सिमम चीजों को फिजिक्स एक्सप्लेन कर देती है। कैसे वो सब घटनाएं हो रही हैं, कैसे वो जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, क्यों घटती हैं, किस वजह से होती हैं, और यही कारण है फिजिक्स की इंपॉर्टेंस का। और पहले चैप्टर में यही स्कोप और एक्साइटमेंट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है ये, हम जो लॉन मोवर होता है, मोवर लॉन क्या होता है, जो मूव करता है, लॉन मोवर क्या होता है, रोलर जो होता है, जिसको आप रोलर कहते हैं, ये रोलर जो होता है रोल करना, इट इज इजियर जस्ट टू पुल द रोलर, इजियर कैसे इजियर है, टू पुल द रोलर और मोवर देन टू पुश इट, देन टू पुश इट। अगर आप रोलर ले रहे हैं, ये रोलर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोलर है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, आपने ये लिया, आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं, दो कंडीशन है, आप यहां से इसको पुल करके आप ऐसे ले जाएं, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोल करता हुआ आगे जाएगा पुल करने से। सेकंड थिंग क्या है, कि एंगल इंक्लाइंड एंगल पे पुश करें, पुश करने से भी रोल करता हुआ आगे जाएगा। तो हमें प्रूव करना होता है कि पुल करना इजियर है एज कंपेयर टू पुश इट, नंबर वन। नंबर टू, ये भी पूछ सकते थे क्या पुल करना इजी है या पुश करना आसान है, क्या करेंगे रोलर को, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम रोलर बनाते हैं, ये रोलर है बेसिकली, तो ये सर्कल है लेकिन सर्कल नहीं है, देखो ये वाली कंडीशन है, ये सिलेंड्रिकल होता है, वी कैन सी ओनली दिस सर्कल, वी कैन सी ओनली दिस सर्कुलर पोर्शन, बाकी इसके पीछे हाइड हो गया है। तो बेसिकली थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसको टू डायमेंशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला केस देखते हैं, पहले केस में क्या करते हैं, हमने इसको क्या किया, यहां से पुल किया, ये फोर्स अप्लाई किया, और मान लीजिए कितने एंगल पे अप्लाई किया, थीटा एंगल पर। तो अगर हम यहां से पुल कर रहे हैं, ये रोलर है, यहां से हम पुल कर रहे हैं, तो पुल करने से ये आगे जाएगा, क्यों आगे जाएगा, ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, एफ साइन थीटा। ये कहां से सीखा हमने, ये आज ही सीखा हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। और बताइए हमेशा कोई भी बॉडी होती है वेट किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो बताइए एफ साइन थीटा क्या करेगा, इसके वेट को कंपनसेट करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। और एफ कॉस थीटा क्या करेगा, इट विल मूव द रोलर फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो वेट कम हो जाएगा, कम का मतलब इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, एक्चुअल वेट तो उतना ही रहेगा, जैसे अभी हमने बताया कि इसका वेट mg है, अगर कुछ फोर्स ऊपर लग जाए तो वो जो mg होगा वो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर नीचे की तरफ 20 ग्राम है और 10 ग्राम का फोर्स हम ऊपर लगा दें, 10 ग्राम फोर्स, तो उस वजह से इसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो ये होगा। जरा सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन ये है, फोर्स आप ऐसे अप्लाई करें, ये फोर्स आप क्या कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, कितने एंगल पे पुश कर रहे हैं, थीटा। तो बताइए ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। अच्छा कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो वेक्टर की डायरेक्शन है वही कंपोनेंट की होगी, क्यों, कंपोनेंट किसका है, वेक्टर का है। अब देखो ये फोर्स किधर लगाया हमने, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कब लगाया, जब पुश करते हैं, तो अगर डाउनवर्ड लगाया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, और वेट का जो फोर्स का कंपोनेंट है वो भी नीचे होगा। तो जब ये एफ साइन थीटा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा तो बताइए इफेक्टिव वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, सेम है, तो अगर थीटा की वैल्यू इसमें भी इक्वल है, 30 डिग्री है सपोज इसमें भी 30 है, तो एफ कॉस थीटा तो दोनों के लिए सेम है। इस वाले में वेट ज्यादा हो गया, बढ़ गया, क्यों, ये कंपोनेंट जो हुआ एफ साइन थीटा नीचे को है, जो इफेक्टिव वेट को इंक्रीज करेगा, और इस वाले में इफेक्टिव वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वाले में ये लाइट है और इस वाले में हैवी है, और आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, सेम है। तो बताइए किस वाले केस में ज्यादा आसान होगा, जो लाइट वाला है, लाइट वाला कौन से वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो इट मीन्स पुल करना ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू पुश इट।
ठीक है। तो किसी भी रोलर को अगर आपको आगे ले जाना है तो फिजिक्स हमें ये सिखाती है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें ये सिखाता है कि आप उसको पुश करते हुए ना लेके जाएं, बल्कि कैसे लेके जाएं, पुल करते हुए लेके जाएं। जैसे बचपन में छोटे बच्चे को गाड़ी दे देते हैं चलाने के लिए, मदर गाड़ी दे देती है, उसमें एक रस्सी बांध देती है और वो रस्सी से आगे खींचता हुआ आगे जाता है, पुल करता हुआ आगे जाता है और बड़ा खुश होता है। ठीक वही कंडीशन है, इसको हम जो लॉन मोवर होता है, जो रोलर होता है, उसको पुल करना इजियर है एज कम्पेयर टू पुशिंग। सो अगेन विद द एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड इन द डेली लाइफ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ just activities of phenomena which are explained on the basis of this resolution of a vector into its rectangular components. तो देखिए, तो आज हमने सीखा था कि एक horizontal component होता है vector का, एक cos theta, एक vertical component होता है ये sin theta, उसी की वजह से आपने roller को explain किया, उसी की वजह से आप वो करने को explain कर रहे हैं how to move, अगर हमने ये component नहीं सीखा होता। अच्छा देखिए, जैसे हमने अभी इसका बताया एग्जांपल, मूव करने का एग्जांपल बताया, इसमें एक चीज और बता देते हैं, अगर आप थीटा एंगल पे पुश नहीं करते, आप वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुश करते रहे, आप नीचे ऐसे पुश किए जा रहे हैं, क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? आपने देखिए, थीटा तो आपको यहां से लेना है, अगर आपने ये वाला कंपोनेंट लेना है, फोर्स आपने यहां से अप्लाई करना है, अगर थीटा या तो यहां से ले लें या चलिए इधर से ले लीजिए, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? आर हो गया। तो ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं, थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो एंगल थीटा आपने बना, अगर इस थीटा की वैल्यू आप क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, अब आपने फोर्स कैसे अप्लाई किया? डाउनवर्ड, ये अप्लाई किया वर्टिकली, रिएक्शन भी किधर होगी? अपवर्ड। थीटा कितना होगा? 90। बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? 0। कोस 90 क्या होता है? 0। तो जब आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा फोर्स का, तो आप आगे कैसे ट्रेवल करेंगे? चल ही नहीं सकते आप आगे की डायरेक्शन में। तो इस वजह से अगर हम एंगल पर पुश नहीं करेंगे पैर से, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ को या फ्लोर को पुश करेंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप एक एंगल पर फोर्स अप्लाई करते हैं ग्राउंड पर, तभी आगे चल सकते हैं। जब तक आप थीटा नहीं रखेंगे कोई वैल्यू, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द एंगल थीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशंस।